चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कुआ पहुंची गौरव यात्रा, ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की वीरता एवं बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बालाघाट से प्रारंभ हुई गौरव यात्रा कुआ देर शाम पहुंची। यह गौरव यात्रा मंडला एवं डिंडोरी जिले से होते हुए 27 जून को शहडोल पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इस यात्रा का समापन होगा। गौरव यात्रा में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, श्रीमती अनुपमा नेताम, संबल सिंह दुर्वे, जनपद अध्यक्ष परसवाड़ा साथ में दिखाई दिए। वहीं ग्राम पंचायत में सभा को भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद सदस्य रीता पुलोके, उकवा सरपंच अनुसुईया छत्रिया, शिवशंकर तिवारी उप सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति रही। आज केंद्रीय मंत्री भगत सिंह कुलस्ते का उकवा से मंडला की ओर दौरा है। अभी कितने बजे है और अभी तक यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अच्छा, कौन आ रहे हैं मालूम है आपको? मालूम है आपको? नहीं है मालूम? हाँ नहीं है मालूम, चलो ठीक। क्या है मालूम है आपको? नहीं, चलो ठीक। आप कौन से पद में हैं? कहाँ से? उकवा से। चलो ठीक। केंद्रीय मंत्री भगत सिंह कुलस्ते जी का दौरा कार्यक्रम यहाँ था उकवा ग्राम पंचायत में, इसमें आपके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई? आज ग्राम पंचायत उकवा में गौरव यात्रा के हम लोग स्वागत के लिए स्वागत द्वार, फूलमाला, गुलदस्ते हमारी तरफ से व्यवस्था की गई और मंत्री जी के द्वारा दो शब्द हमारे गांव के लिए, हमारी जनता के लिए बोले गए और धन्यवाद दिया गया कि हमारी जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, उनका कार्यक्रम सफल रहा। ये बताइए, मायल नगरी उकवा के नाम से ये गांव जाना जाता है, पर यहाँ पर मायल के एक भी कर्मचारी या अधिकारी कोई उपस्थित नहीं थे, जबकि इस्पात मंत्री केंद्रीय भगत सिंह कुलस्ते जी आए थे, बताइए। ये अब उनके उनके विभाग का है, वो उनको इसकी जानकारी थी या नहीं थी हम नहीं किनको माइन विभाग को, माइन कर्मचारियों को इसकी जानकारी थी या नहीं थी, अब वो यही बता पाएंगे। हम लोग को जो आदेश हुआ था, हम लोग सभी लोग उपस्थित थे और उनका कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश। आपके द्वारा क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट कराया गया था? हमारे द्वारा, हमको ऐसे निर्देश नहीं थे अनाउंसमेंट कराने के। अच्छा। बस हमारे द्वारा उनका स्वागत करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आपका परिचय? मैं प्रीति सहारे, ग्राम पंचायत। सर, ये जो गौरव यात्रा जो आज प्रारंभ हुई है बालाघाट से, इसका उद्देश्य क्या है सर? उसका उद्देश्य मैंने कहा कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने इस यात्रा को निकालने के पीछे हमारा उद्देश्य ही कि हम दो दिन बाद रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाने वाले हैं और इसलिए एक प्रकार का जन जागरण यात्रा, 5 अलग अलग स्थानों से इस यात्रा को हम निकाल रहे हैं। आज हम बालाघाट से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, आपकी उकवा पहुंची, अभी आज रात्रि विश्राम हमारे हेडक्वार्टर में है, घर मुख्यालय में होगा। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से, छिंदवाड़ा से, संग्रामपुर से, जहां से रानी दुर्गावती जी का जन्म स्थान है, सिंगौरगढ़ से, वहां से, और हमारी 5वीं यात्रा है सीधी वहां से शुरू होगी धोनी से, ऐसे 5 यात्रा और समापन इसके 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जिनका स्वाभिमान, सम्मान, उनकी वीरता को स्थापित करने वाले और समाज को जो योगदान देने वाले, रानी दुर्गावती का योगदान, जितने भी इस रियासत के अंदर जो समाज है उसको योगदान देने में रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हमने विचार किया, सरकार ने सोचा कि इस प्रकार की जन जागरण यात्रा निकले और इससे आम लोगों को ये पता हो कि उनके इतिहास के बारे में पुनर्जीवित करने का काम इस यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा के माध्यम से आम जन तक ये संदेश जाएगा कि रानी दुर्गावती का योगदान, उनके परिवारों का, उनके वंशजों का, ये पूरा योगदान इस यात्रा से निकल करके आएगा और आने वाले भविष्य में
और भी जो चीजें हमारे ध्यान में आएंगे उनको हम आगे और बढ़ाएंगे, इस प्रकार का प्रयास है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।